हेलो दोस्तों, मैं हूं भावना कार्की। आज मैं बनाने जा रही हूं अंकुरित मूंग की चाट। दोस्तों ये वीडियो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंकुरित मूंग के फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों माना जाता है कि अंकुरित अनाज में सिर से लेकर पैर तक की बीमारियों का इलाज होता है। अंकुरित मूंग सेहत के लिए बहुत बहुत लाभकारी मानी जाती है। अंकुरित मूंग शरीर में विटामिन, प्रोटीन्स और फाइबर आदि की कमी को दूर करता है। हाई प्रोटीन डाइट के लिए इस स्वादिष्ट अंकुरित मूंग की चाट को अपने आहार में जरूर शामिल करें, क्योंकि ये स्वाद के साथ साथ हमें सेहत भी देता है। दोस्तों कई लोग इस अंकुरित मूंग को पकाकर, भूनकर या तलकर भी खाते हैं, पर इससे इसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। ऐसे में सबसे बेहतर है कि इन्हें अच्छे से धोकर सलाद की तरह खाया जाए। तो चलिए सबसे पहले मूंग की दाल को अंकुरित कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं लगभग आधा कटोरी साबुत मूंग की दाल ले रही हूँ और इसको अच्छे से वॉश करने के बाद लगभग चार गुना पानी डालकर मैं इसे पूरी रात के लिए भिगाकर छोड़ रही हूँ, ताकि मूंग की दाल अच्छे से फूल जाए। लगभग 12 घंटे तक दाल को भिगोने के बाद हमारी दाल अच्छे से फूल गई है। आप देख सकते हैं कि ये अपने आकार से चार गुना बड़ी हो गई है। अब इसको एक बारी और वॉश करेंगे, फिर इससे एयर पास होने वाले ढक्कन से ढक देंगे। अब इनको फिर से मैं 10-12 घंटे के लिए अंकुरित होने के लिए छोड़ रही हूँ। आजकल गर्मियों का मौसम है, इसलिए मूंग को अंकुरित करने के लिए ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही अंकुरित हो जाते हैं। 10-12 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे अंकुर निकल करके आए हैं। अब इसको फिर से एक दो बारी वॉश करना जरूरी है, ताकि इसके अंदर की पूरी हीट निकल जाए। यहाँ मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर करके चाट बनाने की बेहद आसान विधि को शुरू करते हैं। दोस्तों इस हेल्दी स्प्राउटेड मूंग चाट की वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमारी स्प्राउटेड मूंग की चाट बनकर के रेडी है। आप भी इसी तरह से मूंग को अंकुरित कर उसकी चाट बना करके खाएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। टाटा बाय बाय।